लाइफ है हम लोग। अभी हम उस ट्रांजिशन में हैं और सेटअप हो गई है मीटिंग। अब हम लाइव हैं। लाइव है। बिल्कुल, कैसे हैं आप शशांक? मैं ठीक हूँ अमन, आप कैसे हैं? तो मैं भी बिल्कुल सही हूँ। हम लोग आज जो है जैसा पहले पिछले वाले में बताया था हमने कि बड़ी तामझाम और मुश्किलों के बाद जो है हम लोग लाइव स्ट्रीम पे पहुंचे हैं, और हमारी कोशिश रहती है रोज आपसे कनेक्ट होने के लिए। कुछ दिनों से वो हो नहीं पा रहा था क्योंकि पैंडेमिक की वजह से सब लोग जो है अपने अपने घरों पर शिफ्ट हो गए हैं। और मतलब मैं तो ऑफिस में हूँ, आप फैंसी बैकग्राउंड देख के समझ रहे होंगे कि अमन घर से लाइव कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा मैंने डिफिकल्ट हो रहा है हमारे इंटरप्ट लिए। लगाऊं, सॉरी आपको, लेकिन वो गली बॉय वाली वाइब आ गई है मुझे देख के। वो न्यू ईयर वाला जो शर्ट था, गली बॉय से याद आया, आज हम लोग जिस मसले पे बात करने वाले हैं उसका आपने टाइटल तो देख ही लिया होगा कि इरफान को आप किन फिल्मों से याद रखते हैं। बेसिकली हम इसमें बात करेंगे कि अपनी हमारी जो है हमारा बहुत तो हमने इरफान को जैसे है हमेशा बड़ा हाई रिगार्ड में रखा है, और हम उनको कैसे याद करते हैं, हमारी उनसे पहली मुलाकात कैसे हुई थी और कब हमने उनको पहली बार देखा, हमें देखा तो क्या लगा उनको देख के हमें, उस तरह की बातें होंगी। तो आप भी कनेक्ट होइए हमारे साथ। आई होप यमन हम शुरू कर सकते हैं बातचीत, हमें हाँ ऑप्शन मिल गया वो लाइव चैट वाला। कर सकते हैं। लाइव चैट के ऑप्शन में कुछ दिक्कत आ रही है, लेकिन हम फिगर आउट करते हैं, वरना फिर हम शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो आपसे शुरू करते हैं यमन। जी श्वेतांक, जैसा कि काफी लोग, सबसे पहले तो हमारे व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है, और ललन टॉप सिनेमा के हम दोनों साथी हैं यमन और श्वेतांक। स्टूडियो में आप लोग हमें देखते थे लाइव करते हुए, लेकिन अभी ओमिक्रॉन के बढ़ते केसेस के चक्कर में फासला बढ़ा है, वर्क फ्रॉम होम हुआ है हमें से एक का, तो इसलिए यही आप लोग अपना ध्यान रखिए ऐसे माहौल में। बाकी हम आप तक लाइव लाते रहेंगे, सिनेमा से जुड़े टॉपिक्स पे बातचीत होती रहेगी हमारी, और उसके लिए जरूरी है कि आप ललन टॉप सिनेमा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें सबसे पहले तो, और फिर घंटे का आइकॉन दबाइए ताकि जब भी हम लाइव जाएं या जो भी हमारे अपडेट्स होते रहे आप तक टाइमली पहुंचे। आज श्वेतांक आपने पूछा कि इरफान से पहली बार मुलाकात कब हुई, तो जी ठीक मैं अगर बहुत बड़ा झूठा कहलाऊंगा अगर मैं बोलूं कि मैंने उनको नेम शेक में देखा पहले, या फिर मकबूल में देखा और लंच बॉक्स में देखा और मेरी दुनिया बदल गई क्या एक तरह, ऐसा कुछ नहीं है। उससे पहले तो मैं उनको वोडाफोन वाले एड्स में देख चुका था। हालांकि मुझे उनका पहला रोल जो याद आता है, कि जो मेरी दो मेमोरीज हैं इरफान साहब से रिलेटेड, एक कॉन्शियस और एक अनकॉन्शियस मानी जाए। पहली जो कॉन्शियस वाली है वो है फिल्म संडे से, रोहित शेट्टी अच्छा की एक फिल्म है 2008 में आई थी अगर मैं गलत नहीं हूँ, कॉमेडी फिल्म थी। ज्यादा लोग याद रखते नहीं है कि रोहित शेट्टी की ऐसी कोई फिल्म भी थी, सिंगम और गोलमाल आए बात तो खास तौर पे। उस फिल्म में इरफान ने अरशद वारसी के दोस्त का कैरेक्टर निभाया था। अरशद वारसी टैक्सी चलाते हैं और उनका जो दोस्त होता है, मंगत नाम होता है, कुमार नाम होता है, सॉरी हाँ कुमार नाम होता है इस बंदे का, और ये स्ट्रगलिंग एक्टर होता है। तो इरफान को बीच में कॉमिक रिलीफ के लिए रखा हुआ था फिल्म में, और उन्होंने अपना काम जो किया है ना उस फिल्म में, मतलब मुझे अजय देवगन थे फिल्म में, अरशद वारसी थे, आयशा टाकिया थी, इतने एक्टर्स थे, मुझे इरफान ही याद है उस फिल्म के बाद कि हाँ ये उमदा था मेरे लिए जो स्टैंड आउट कर गया। खासतौर पे उस, मैं आपको एक सीन बताता हूँ, उस टाइम पे न्यूज चल रही थी कि राजकुमार संतोषी रामायण बनाने वाले हैं, हालांकि वो प्रोजेक्ट हुआ नहीं, आगे जाके बंद हो गया। तो उसके लिए वो भी यूज किया हुआ है उन्होंने कि एक जगह वो नकली 10 से लगा के टैक्सी में बैठते हैं और बोलते हैं कि बल्लू टेंशन, मतलब मैं राजकुमार संतोषी की उसके लिए रावण रामलीला के लिए ऑडिशन देने जा रहा हूँ रामायण के लिए, रावण के रोल का। वो एक काफी सही सीन है, मजाकिया सीन है, आगे जो उनके साथ होता है कुत्ता पीछे भागता है वो वाला। ये थी कॉन्शियस मेमोरी मेरी इरफान से। दूसरी जो अनकॉन्शियस मेमोरी थी जो मुझे पता नहीं था कि ये इरफान है, आगे पता चला, वो है सीरियल जय हनुमान से। मैं अच्छा बचपन में बहुत बहुत देखता था अपने भाई के साथ, जो संजय खान ने बनाया था वो शो, उसमें इरफान ने वाल्मीकि का रोल निभाया था। अच्छा ये मैंने बाद में पहचाना कि हाँ ये एक्टर वो है और ऐसे ऐसे वो थी। तो ये मेरी पहली मेमोरीज इरफान साहब से जो जुड़ी हुई थी वो ये थी। आपने उन्हें पहली बार, आपका परिचय कब हुआ उनसे? मैं बहुत छोटा था तभी, मुझे पता भी नहीं था कि इरफान खान कौन है। और अब जब छोटे होते हो तो और जब आप सिनेमा में बेसिकली उतने इंटरेस्टेड होते नहीं, आपको सिर्फ है कि आपके एंटरटेनमेंट का माध्यम हो कि जो टीवी पर चल रहा है बैठ के देख लिया। तो मुझे याद है जी सिनेमा था या कोई चैनल था जिसके ऊपर जो है हासिल आ रही थी, तो ये कुछ मुझे लगता है 2005 या 2006 की बात होगी, क्योंकि 3 में तो आई ही थी पिक्चर, वो हिमांशु ने बनाई थी, तो जी मैं हासिल देख रहा था।
आप जब देखते हो, जब बचपन में फिल्में देखते हो, तो आप उसको ब्लैक एंड व्हाइट में देखते हो ना, नॉट इन द सेंस कि मतलब टीवी पे वो कैसे कलर में दिख रहा है। आपके लिए हीरो होता है फिल्म में और एक विलेन होता है, तो उस फिल्म का मेरे लिए इरफान विलेन था। और विलेन कभी भी ऐसे नहीं देखे जाते हैं कि अब तो क्या चीजें चेंज हो गई और सोचने समझने का तरीका थोड़ा बदला है, पहले से बिल्कुल तो नहीं कहेंगे, अमूलचूल बदलाव तो नहीं है, लेकिन काफी चीजें बदली है। तो अभी अपने को ग्रे शेड वाला एक जोन जो है उसके बारे में पता चल गया है ना। लेकिन तब जब देखा मैंने, तो आप जैसे नॉर्मल उनको देखते हो, विलन्स को देखते हो, कि जैसे तो आइकॉनिक से शुरू करते हैं, गब्बर, अमरीश पुरी, ये वो तमाम लोगों के नाम सुने थे, देखे थे, फिर मैंने देखा कि हासिल में तो ये उस तरह का नहीं है। तो लगा कि मेरे को लगा कि यार विलन भी अच्छा नहीं है ये, कि व्हाट दिस बिहेवियर, कि तुम हीरो नहीं हो, एक्सेप्ट कर लिया, चलो ठीक है तुम विलन हो, लेकिन तुम विलन भी नहीं हो यार, अच्छे क्या कर रहे हो ये, तुम उसमें थोड़ा हीरो वाले गुण डाल रहे हो और बहुत कॉम्प्लिकेट कर रहे हो उसको। लेकिन बच्चे थे, ऐसे देख लिया कि चलो ठीक है, मजा आया, देखा। रणवीर सिंह नाम आओ याद हो गए, इरफान का नाम तब भी नहीं पता था, क्योंकि आप यूजली हीरोज के नाम याद रखते हो। मैं बचपन की बात करता हूँ, तो आपको सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, और जब उस समय फिल्म में जिमी शेरगिल थे तो वो हीरो थे फिल्म को, तो आप उनको हीरो की तरह देखा, तो हीरोज के नाम आपको जल्दी याद होते हैं, है ना। तो जिमी शेरगिल, वहां से इरफान को मैंने पहली बार देखा, और मुझे, और फिर मैं भूल गया, मुझे नहीं पता यार मैं कौन है। फिर मुझे याद है द किलर या ट्रेन, द ट्रेन करके कोई पिक्चर थी शायद, मुझे द किलर थी एग्जैक्टली अगर मैं गलत नहीं हूँ, हाँ इमरान हाशमी के साथ। हाँ तो उसमें देखी मैंने, तो मुझे वो अचानक से वो कॉल बैक वैल्यू जो किसी चीज की होती है वो मुझे आया, कि इसको तो मैंने कहीं देखा है, तो वहां उनको देखा। कौन, ये तो बिल्कुल अनकॉन्शियस मेमोरी हो गई कि आपको नहीं पता है ये आदमी कौन है या क्या है। मुझे याद है जब उनको मैंने पहली बार किसी रोल में देखा, जो मतलब ये जान के देखा कि ये आदमी इरफान खान है ना, और ये दिग्गज एक्टर है। इस तरह का एक आप प्रीकंसीव नोशंस लेके आते हो ना, कि भाई मेरे को नहीं पता कैसा दिखता है, कैसा एक्टिंग करता है, लेकिन लोगों ने बताया बहुत तगड़ा एक्टर है भाई, और इस तरह की चीजें। तो वो उसमें मैंने पहली बार इरफान को देखा, वो फिल्म थी पान सिंह तोमर, और पान सिंह तोमर में मतलब उस समय भी, मतलब जैसे अभी हम लोग सिनेमा एक तरह स्टडी करते हैं ना, देखना, और एक बड़ी सुंदर लाइन कही पड़ी थी कि अगर आपको सिनेमा सीखना है तो सबसे पहले आपको सिनेमा देखना पड़ेगा, या मतलब उसके साथ प्रेम में पढ़ना पड़ेगा। तो वो मैं बिगिनिंग वाला मेरा फेज था, जब मैं सिनेमा के साथ प्रेम में पढ़ रहा था, मैं शायद 11वीं 12वीं में रहा होऊंगा, तो मैंने पान सिंह तोमर देखी, पूरी पूरी नहीं देखी। अब जैसे होता है आपके आसपास वाले लोगों ने कहा कि भाई इरफान है, इस काम की पिक्चर है, तो ये पूरी देखो, सब लोग देख रहे थे, मैं भी बैठ के देखा, तो मेरे को ऐसा पहली बार हिट हुआ कि यार ये आदमी कुछ तो अलग कर रहा है, कि लोग इसके बारे में इतने बात क्यों कर रहे हैं, और ये आदमी तो इतना वियर्ड क्यों लग रहा है मुझे स्क्रीन पे, रेगुलर क्यों नहीं लग रहा है, क्या अलग कर रहा है ये। तो मुझे वो वहां से पहली बार वो कॉन्शियस मेमोरी है, वहां वो पहली बार इरफान मुझे खटके, खटकने से वो मुझे याद रहे। तो ऐसी बड़ी ट्विस्टेड और वियर्ड सी चीजें होती हैं जो पार्ट ऑफ योर चाइल्डहुड होती है, फिर आगे वो बाद में अलग अलग तरीके से वो चीजें शेप लेती हैं। तो इरफान की मेरी पहली मेमोरी ये थी दोस्त। हासिल हाँ और फिर जैसे एक बार एक वो फेज आया, जैसे आपने कहा कि सिनेमा को पढ़ना शुरू किया, पढ़ना कि फिल्म देखना शुरू किया, उनके वो फिर जो चीजें इंटरप्रिटेशन है वो आप तक आने लगी, फिल्म मेकर का मैसेज राइटली पहुंचने लगा, वो फिल्म ब्लैक या व्हाइट नहीं गई आपके लिए, एक वो मतलब मेच्योर फेज इसमें आ थोड़ा गया। मैं इंटरप्ट करूंगा आपको, फिल्म मेकर का मैसेज मतलब एग्जैक्टली कई बार होता है कि आप फिल्म मेकर किसी और थॉट प्रोसेस के साथ या किसी और आइडिया के साथ, किसी और मैसेज के साथ फिल्म बना रहा है, लेकिन आप जब उसको देखते हो तो आप कुछ अलग डिराइव करते हो, कुछ अलग एक्सट्रैक्ट करते हो। बड़ा ह्यूमन नेचर ही बड़ा एक्सट्रैक्टिव होता है, कि आप हर चीज से, किसी रिलेशनशिप से या किसी काम से कुछ एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हो, कुछ निकालने की कोशिश करते हो, है ना। तो वो फिल्म मेकर ने क्या कहा मेरे को नहीं पता, लेकिन मैंने जो पिक्चर देखी तो मुझे मतलब हमेशा लगता है कि फिल्म मेकर ने तो मुझे कहीं बताया नहीं कि वो क्या कह रहा है, उसने पिक्चर बना दी, अब आपकी मर्जी क्या आप उसमें क्या देख रहे हो, क्या निकाल रहे हो। तो बस वो वाला पॉइंट मैं आपको इंटरप्ट करूंगा, फिल्म मेकर का पॉइंट हर बार मैं से नहीं समझ पाया, और मुझे आज भी कई बार लगता है कि शायद मैं उस फिल्म को सही से देख नहीं पाया, या मुझे लगता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आई, है ना। तो ये जी आप ये प्लीज तो कंटिन्यू करें। हाँ, ये तो मतलब वो है, एक जर्नी है, चलती रहती है, जी इस पे कभी मोड़ नहीं आ सकता कि हाँ हम बोल दें हाँ हमने सिनेमा समझ लिया, हमने इस फिल्म मेकर का थॉट प्रोसेस समझ लिया, वो तो फिर उसके अलावा कोई समझ भी नहीं सकता। लेकिन मेरे कहने का मतलब था कि आपने मेंशन किया कि फिल्में स्टडी करना चालू किया, मतलब सीरियस उस तरह से देखना बंद किया, ब्लैक और व्हाइट वाले फेज से बाहर निकले उस मतलब सिर्फ दौर एंटरटेनमेंट, सिर्फ में। एंटरटेनमेंट वाले लिहाज से देखना बंद कर दिया, मतलब वो ऐसा हो हाँ गया कि अब मेरे को कुछ सीखना है, बोला एक्सट्रैक्टिव नेचर, तो फिल्म क्यों देख रहे हैं, क्योंकि कुछ सीखना है। सीखना है।
हाँ, तो जी उसको जी समझना है, अब वो जद्दोजहद जो है वहां चालू हुई कि कुछ सीखना है, कुछ समझना है, क्योंकि तो पता नहीं वो कहाँ से इंटरेस्ट आप पिक करते हो और वो फिर कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। वो अपने आप ही हिट करता है आपको, ये तो है। उस दौर में आपको कौन सी फिल्में याद है? उस दौर में पान सिंह तोमर होगी, उस दौर की मुझे इरफान की पिक्चर जो याद आती है, जैसे उस दौर की एग्जैक्टली मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब जो हम लोग सिनेमा देख रहे थे तो हमारी शुरुआत जो होती है वो हिंदी सिनेमा से ही होती है मोस्टली, है ना। जी लेकिन फिर जब हम लोग थोड़ा आपका एक रीच बढ़ती है कि आप इंटरनेशनल सिनेमा की ओर जाते हो या कोई नई फिल्म, एक ऐसा टाइम आता है फिल्म लाइफ में, एक ऐसा फेज आता है जब आप हर नई फिल्म देख रहे होते हो, हर नई फिल्म कि जो फिल्म भी आ रही है देख रहे हो। तो मुझे याद है मैं हमारे घर के पास में एक दुकान थी जहाँ से हम सीडी किराए पे लेके आते थे, ठीक है, और घर पे नया नया कंप्यूटर आया था, उससे उसमें लगाया और बढ़िया पिक्चर देखे। तो मुझे याद है लाइफ ऑफ पाई देखी थी मैंने, और लाइफ ऑफ पाई में मैंने इरफान खान से ज्यादा वो टाइगर वो देखा गया ना, वेरी गुड, वेरी उसी VFX CGI, किसको पता है ये सब अपना चल रहा है कि भाई द वेरी गुड टाइगर, और उसकी कहानी वो अभी जब इरफान जब गुजरे तो उस फिल्म के बहुत सारे सीन्स जो है वो आने बाहर आने शुरू हुए, ज्यादा लोगों ने उसको देखा था, लेकिन वो कट कट के जो छोटे छोटे चंक्स उसके होते हैं ना वो आने शुरू हुए कि वो वाला है कि आई सपोज एंड लेटिंग गो वाला लाइन जो है वो हाँ, लाइफ ऑफ लाइफ पाई इज के अंदर। अ मेटाफर। हाँ, तो मुझे तब देखा मैंने तो मेरे को ज्यादा समझ नहीं आई, मैंने देखा कि हाँ इससे गुड पिक्चर, ये बच्चों की फिल्म लग रही है, क्योंकि अब हर फिल्म देख रहे हो, तो मैंने वो फिल्म देखी तो मुझे पहली बार वो लगा कि यार ये इंटरनेशनल फिल्म है और इसमें ये अपना एक्टर है, तो सिर्फ प्राउड वाली फीलिंग, आपको कुछ नहीं पता है, आप 11वीं 12वीं में हो, आपको सब पिक्चर देख, तो मुझे वो पहला मेरा कॉन्शियस एफर्ट था कि मैं ये आदमी को मैं थोड़ा सा जानू क्या करता है ये, और मतलब बाकी लोग नहीं कर पा रहे ये कैसे कर रहा है, कि तब तक स्लमडॉग वगैरह आ चुकी थी, और लेकिन फिर भी आपको था ना कि इसको मैंने कभी सीरियसली नहीं लिया यार, ये इंटरनेशनल पिक्चर देख रहा कौन आदमी है, ये क्या कर रहा है, तो मेरा कॉन्शियस एफर्ट था कि इरफान को अब समझने का। लेकिन मुझे जब भी उनकी फिल्मोग्राफी बहुत गंभीर रही है, बहुत अच्छा सिनेमा किया उन्होंने जीवन में, लेकिन मैं जब भी उनको याद करता हूँ तो मतलब हो सकता है बहुत ही अजीब या वियर्ड चॉइस हो, लेकिन मुझे करीब करीब सिंगल ना बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म लगती है वो देखने के लिहाज से इरफान की। और मतलब मुझे लगता है कि कोई आदमी जब अपने सारे इनहिबिशन शेड कर देता है ना कि आपको पता है कि आप ये कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, आप बहुत सीरियस एक्टर हो, आप बिल्कुल मेथड एक्टर हो, आपने वो सारे जो है लेबल साइड पर रख दिए, है ना, और फिर आपने वो किया, आप बिल्कुल एंजॉय कर रहे हो, जब आप कोई सिनेमा बना रहे हो तो आप उसको एंजॉय कर रहे हो उस प्रोसेस को, तो करीब करीब सिंगल को देखते हुए मुझे ये लगा कि अगर इस पिक्चर में मैं भी होता तो शायद मैं भी इतना ही फन कर रहा होता, तो बड़ा रिलेट किया मैंने उससे। करीब करीब सिंगल पिछले कुछ टाइम में आई ऐसी बड़ी लिमिटेड फिल्मों में से है जिसको मैंने एक या दो से ज्यादा बार देखा है, तो मुझे हर बार अच्छी लगती है वो, कि वो जो क्या उसका एक्टर का नाम है, उसका एक्टर का नाम है यार कैची सा नाम है उसका कुछ पार्वती तो नहीं, नहीं, पार्वती तो नहीं, इरफान के कैरेक्टर का नाम है, अच्छा इरफान हाँ कैरेक्टर है, सॉरी मुझे लगा हाँ इसका नाम बड़ा कैची सा नाम है यार, करीब करीब सिंगल मैंने नहीं देखी है, मुझे नहीं नहीं देखने मैंने की देखी, जरूरत है। और जब मैंने उसका मेंशन किया तो मुझे उसका नाम याद होना चाहिए, तो त्यागी ऐसा कुछ करके नाम था उसका, नॉट एग्जैक्टली त्यागी, उस टाइप का ही कुछ नाम था, थोड़ा फंकी सा नॉर्थ इंडियन सा नेम, और वो लेकिन वो बड़ा देखते हुए मुझे बड़ा मजा आता है हर बार जब मैं फिल्म देखता हूँ उनकी, वो लाइन की दो तीन लाइनें हैं, जैसे वो एक बार प्यार के बारे में आदमी बात कर रहा होता है, वो कॉमेडी फिल्म की तरह आप उसको देख सकते हो, लेकिन जब वो बात कहता है कि या मुझे लाइफ में योगी योगी अभी योगी नाम है, मुबारक जी ने उन्हें बताया उसका नाम योगी था, तो योगी तो आपको ऐसे देखते हो ना तो आपको लगता है कि यार काफी एंजॉय कर रहा है, आपको आपको ही मजा आ रहा है, जितना उस एक्टर को मजा आ रहा है उतना ही मजा आपको भी आ रहा है। उसके बारे में ऐसे इरफान खान के बारे में बड़ी बड़ी गूढ़ गूढ़ बातें लिखी गई हैं कि भाई दिस 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 दैट दैट की भाई, लेकिन उसको थोड़ा सा ह्यूमनाइज करेंगे तो मतलब मेरे को वो वाला फैक्टर हमेशा अच्छा लगता है कि जैसे बाकी लोगों ने उस एक्टर को देखा या उस आदमी को देखा और आप भी वैसे ही देखा है, तो फिर मैंने मतलब सेम चीज रिपीट कर दी, मैंने कुछ अलग देखा ही नहीं, इसलिए मुझे करीब करीब सिंगल बड़ी वो अच्छी लगती है देखने में, मजा आता है। उसकी वो लाइन थी योगी की कि जब वो जाता है अपनी गर्लफ्रेंड के यहाँ पे, बता अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बता रहा होता है कि यार मुझे 3 बार प्यार हुआ, जी तोड़ करे जाफर, इस तरह की बात करता है वो, कितनी जेनुइन बात है, लेकिन वो उसको फनी वे में कह रहा है या एक फनी सिचुएशन में या फनी फिल्म में कह रहा है,
तो उस लाइन की गूढ़ता जो है अपने आप ऐसे कम होती चली गई, लेकिन वो मुझे हमेशा बड़ा अच्छी लाइन लगती है वो। या फिर बहुत ही इमेच्योर सी एक लाइन है कि जब वो कॉफी शॉप में पहली बार पार्वती के कैरेक्टर से मिलने जाता है, कहता है कि कॉफी शॉप में लाते लाना, और लाते ही लाना, लाते लाते अपने लाते ना लाना। तो वो कितना कितना माइंडलेस है ना, लेकिन कितना एंजॉयबल और कितना फन है वो। तो आप मतलब इसलिए मत देखो कि यार उसने बहुत कमाल कर दिया, मैंने उसको उस आदमी को देख के एंजॉय किया। और मतलब यही मेरा इरफान का हासिल मेरा यही है कि मैं जब उनको देखता हूँ तो मेरे को मजा आता है, मैं एंजॉय करता हूँ कि आदमी कुछ क्रेजी कर रहा है। जैसे ये सारी जिंदगी वो अलग लेवल की क्रेजी फिल्म लगती है मुझे। और फिर आप बात करेंगे तो लाइफ इन अ मेट्रो का जिक्र भी होगा, हाँ वो मतलब वो तो फिर गंभीर सिनेमा, वो अलग उतना गंभीर तो मतलब मैं हैंडल तो करना ही पड़ेगा, वो अपना वो है, पढ़ाई है अपनी, करना है, लेकिन एंजॉय भी करते हैं। लेकिन मैं उससे ज्यादा इस तरह के रोल्स में उनको एंजॉय करता हूँ, मतलब जो उनके आप जिनमें उन आप उनको देख नहीं पाते हो, मतलब मुझे वो एक वो लगता है कि यार किसका विजन रहा होगा कि इरफान खान, जैसे तनुजा चंद्रा ने जो करीब सिंगल बनाई तो उनका एक विजन रहा होगा कि इरफान खान को कैसे करेक्टर में कास्ट करते हैं, है ना, कि कोई इन्होंने बहुत सीरियस सीरियस कर दिया है तो थोड़ा सा क्रेजी करते हैं, थोड़ा ट्रिपी बनाते हैं, तो वो वाला मुझे अच्छा लगता है। आप बताइए, मैं बहुत देर से ज्ञान दे रहा हूँ, सॉरी। नहीं, सॉरी क्यों, कोई बात नहीं। और आपने कहा कि कहीं कोई सिंगल वियर्ड चॉइस है, तो कोई वियर्ड चॉइस नहीं है। मतलब सिनेमा का आधा ही क्या है, हम जज करेंगे दूसरे को। मेरे लिए इरफान की जो फिल्म स्टैंड आउट करती है वो थी लंच बॉक्स। और हाँ इससे रिलेटेड मैं कॉलेज की बात, मैंने कॉलेज टाइम में देखी थी लंच बॉक्स। और वो फेज आ गया था मेरा जब मैं थोड़ा सीरियस सिनेमा की तरफ झुक गया था, वर्ल्ड सिनेमा देख रहा था और अच्छी फिल्में निकाल के देख रहा था। एंटरटेनमेंट वैल्यू के लिए सिर्फ मैं नहीं देख रहा था, हालांकि कोई बुराई नहीं है एंटरटेनमेंट के लिए देखना। तो लंच बॉक्स, हालांकि वो जो साजन फर्नांडिस का जो अकेलापन था, उस उम्र का अकेलापन, उससे मैं रिलेट नहीं कर पा रहा था। उससे मैं हम नहीं कर सकते इस समय रिलेट जो अभी जिस फेज में हम लाइफ के। लेकिन फिर भी एक मुझे एक पर्टिकुलर सीन याद है जब वो पहली बार निमरत कौर के कैरेक्टर को देखते हैं वहां पे, चाय की टी जब शॉप वो होती है। हाँ, हाँ, और फिर वहां के जो उसको रियलाइजेशन होता है कि नहीं, हमारी दुनिया एक नहीं है और ये कोई मतलब इस प्यार का कोई वो नहीं है, मिलन तो यहाँ लिखा ही नहीं हुए। और जैसी वो हैप्पी, वो स्वीट वार्म सी एंडिंग नहीं होने वाली इसकी। फिर वो लेटर लिखता है कि मैंने अपने आप को शीशे में देखा, आज पहचान नहीं पा रहा था कि ये कौन है इंसान। वो चीज आपको हिट करती है कि अकेलापन इंसान को कहाँ ले जाता है। और वो भले आप उस एज से रिलेट ना कर पाए कि हाँ बच्चे नहीं है उसके, डिवोर्सी है और अलग रह रहा है और ऐसा है, सोसाइटी के बच्चों के साथ चिड़चिड़ करता है और बॉल नहीं देता हूँ कि ये सब करता है, लेकिन उस पॉइंट पे आपको हिट करता है कि शिट, ये इंसान किस चीज से गुजर रहा जैसे उसी फिल्म का है। एक और सीन है, जैसे लंच बॉक्स में एक सीन है कि हाँ जब वो इरफान जो है, इरफान का कैरेक्टर जो है, खाना वाना खाने के बाद वो अपनी बालकनी में जाता है और एक सिगरेट जलाता है, और फिर वो खड़े होकर वहां देख रहा होता है कि दूसरे घरों में क्या हो रहा है। फिर उसमें घर दिखाई देता है जहाँ पे एक फैमिली होती है, तो बड़ा शांत था, चुपचाप सा, वो कुछ नहीं कर रहा है, बस वो सिगरेट पी रहा है और वो बहुत देख रहा है। जैसे एक होता है कि आप कहीं देख रहे हो कि एक कहीं आपकी गेज जो है कहीं जाके सेट हो गई है कि आप कुछ देखे जा रहे हो, लेकिन फिर एक आप होता है कि आप कहीं देख रहे हो लेकिन आप शून्य में ताक रहे हो, आपका गेज वहां पर सेट हो गया है लेकिन आप वहां नहीं देख रहे हो, आप शून्य में ताक रहे हो। जोन आउट तो ऑफ मुझे व्यू। वो वाला पार्ट उसका मुझे सुंदर लगा वो बहुत, कि जी, वैसे ये आपने जी अभी मेंशन किया था कि इरफान को इंटरनेशनल फिल्म में देखा, लाइफ ऑफ पाई में देखा, ऐसे ही मेरी भी एक मेमोरी है। मैंने उनको देखा था ऐसे इंटरनेशनल, वो फिल्में करते आए हैं काफी समय से, इन्फर्नो वगैरह की थी। मैंने उनको देखा था अमेजिंग स्पाइडरमैन में 2012 में जो आई थी, और उसके बाद फिर जुरासिक वर्ल्ड में देखा उनको, जुरासिक वर्ल्ड जो एक क्रिस प्रैट वाला पार्ट आया था, और इन्फर्नो में वो थे, और फिर लाइफ ऑफ पाई, ये सारी एक साथ देखी। उस टाइम सबसे बड़ी हैरानी ये थी कि यार इंडियन एक्टर को इन लोगों ने लिया और इसको ना सपेगा बना रहे, ना इसको राजा बना रहे, मैं इसको ऐसा कुछ करवा रहे हैं, जैसा कि अमरीश पुरी साहब के साथ भी वो किया था इंडियाना जोन्स में, उनको जोन अजीब सा गेटअप दिया था, जो बाद में बहुत यहाँ बहुत बातें होती हैं उस चीज को लेके कि स्टीरियोटाइप कर रहे हो इंडियंस को और वो सब, कि अब भी हमें सांप पकड़ने वाला समझते हो क्या, वो सो गया। तो लेकिन इरफान को लेके जो परसेप्शन था, चाहे वेस्ट वेस्टर्न वालों का भी हो, वो ये नहीं था कभी कि हाँ इस एक्टर को ये एक उस फिट उस सांचे में फिट कर दो आपकी, हाँ ये इंडियन है, इंडियन एक्टर चाहिए, मैं इसको राजा बना दूं। मुझे याद नहीं है ऐसा कोई भी रोल
आपको याद आ रहा हो तो, कि जहाँ उनको ऐसे स्टीरियोटिपिकल रोल दिए हो, उनके रोल चाहे भले ही अमेरिकन फिल्म्स में कम रहे हो लेकिन एक किस्म के नहीं थे, कि आज ये बना दिया, स्टीरियोटाइप कर दिया वो। मतलब मुझे मुझे सॉरी सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ हाँ हाँ वापस आगे से। कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, मेरे को मैं ये इंटरप्ट। बोल रहा था कि जैसे इरफान के साथ, इरफान मतलब वो इंडिया से बहुत सारे एक्टर्स थे, वो ट्रांजिशन किया है बॉलीवुड से हॉलीवुड वाला। मुझे इंटरेस्टिंग ये लगता है कि इरफान वो इकलौते एक्टर है, और शायद अब प्रियंका चोपड़ा हो रही है वो, कि जिनको सिर्फ इसलिए नहीं कास्ट किया गया क्योंकि वो एक इंडियन एक्टर थे और इंडियन ऑडियंस तक, मतलब वो जो भी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी उनका रहा हो उसमें नहीं पढ़ना है, लेकिन उनको कभी सिर्फ इसलिए नहीं कास्ट किया गया, उनको एक कैरेक्टर में कास्ट किया गया, उनको किसी इंडियनाइज कैरेक्टर में कास्ट नहीं किया गया। उनको लगा कि इस कैरेक्टर के लिए एक्टर सही रहेगा तो उसको उनको कास्ट किया गया, इसलिए नहीं कि ये इंडियनाइज का कैरेक्टर है या इस तरह का कुछ, इसमें ऐसे नहीं कास्ट किया। जैसे प्रियंका चोपड़ा कभी क्वांटिको वगैरह है या जो भी बेवॉच है, और अभी मैट्रिक्स में भी काम किया, तो सिर्फ अब उनका तो खैर अभी ऐसा बन गया ना माहौल कि आपको जो भी करना है और जो भी किन्हीं एक्टर्स को कास्ट किया जाता है कहीं भी, तो वो जो है अब कि अब इंडियन टेरिटरी में फिल्म को चलाने के लिए प्रियंका जो बड़े बड़े स्टार हैं, तो उनको इरफान आगे जब करने शुरुआत में थे तो मतलब उनको बैंकेबल स्टार के तौर पे ज्यादा देखा नहीं जाता था उनको लोग, हालांकि उनकी उनकी ही हिंदी मीडियम ने जो है 350 करोड़ रुपये ज्यादा बिजनेस किया और तमाम फिल्में उनकी चली भी, लेकिन उनको वैसे कि सोलली बैंकेबल स्टार जो आपकी फिल्म को जो है पैसे कमा के देगा नहीं, वो इरफान गारंटी तो थे कि आपको एक अच्छा सिनेमा देगा अच्छी परफॉर्मेंस के साथ, है ना। वो आदमी करेगा तभी जब उसको करने में कुछ नया या अलग मिलेगा, वो इसलिए नहीं करेगा क्योंकि उसको उसके लिए बहुत पैसे मिल रहे हैं या उस पर प्रेशर है कि तुम मेरा भाई प्रोडक्शन हाउस है तो उसको तुम जो है एक स्टेप आगे ले जाओ, नहीं अच्छा सिनेमा है अच्छा कैरेक्टर है। तो आप एक एक्टर के साथ यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगती है कि जब मैं किसी एक्टर को देखता हूँ तो मुझे उसकी फिल्मों की चॉइस, हमेशा से फिल्मों की चॉइस पे मैं जज नहीं करता, हम उनको जानते नहीं उन एक्टर्स को पर्सनली, है ना। तो हम एक अपना एक उनका हम उनके बुलेट पॉइंट बनाते हैं कि ये आदमी ये कर रहा है ये कर रहा है ये कर रहा है ना। जैसे वरुण धवन है, वरुण धवन का एग्जाम्पल मैं बार बार देता हूँ क्योंकि वो आदमी बहुत ही सेंसिबल डिसीजन लेता है जब फिल्मों की बात आती है, तो कि वो मसाला प्रॉपर मसाला मेनस्ट्रीम पिक्चर करता है, पीछे बदलापुर करनी है उस आदमी को, उस आदमी को अक्टूबर करनी है बीच बीच में उस और आदमी 21 को, आ गई है। हाँ तो वो करनी है, तो वो मुझे इंटरेस्टिंग लगता है उसका पार्ट यार। तो इरफान के साथ वो रहता है कि उनको सिर्फ इसीलिए नहीं किसी फिल्म में ले लिया कि भाई नहीं इंडियन एक्टर है एक ले लेते हैं चलो इस तरह, नहीं उस कैरेक्टर की डिमांड है वो कि उसको एक ऐसा एक्टर प्ले करे जिसमें थोड़ा वजन डाले, तब उनको लिया जाता था। इन्फर्नो में टॉम हैंक्स के ऑलमोस्ट पैरेलल रोल है ना वो, हाँ और तमाम तमाम स्टार्स भरे हुए हॉलीवुड में भी, है ना, ऐसा नहीं है, लेकिन वो जरूरत उस टाइम कि भाई ये कैरेक्टर जो है एक्टर का पोटेंशियल, कि भाई पोटेंशियल है एक्टर में तो ठीक है, तो वो पार्ट की भी अच्छी चीज सबसे बेस्ट मुझे ये लगती है। और इन्फर्नो की आप बात कर रहे थे, वो मतलब जैसे प्रियंका चोपड़ा का भी ये केस हो जाता है कि वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, नो डाउट इन दैट, लेकिन इंडियन मार्केट में टैप इन करना है अभी, क्योंकि उनको पता है कि बहुत बड़ा मार्केट है और ये, प्रियंका चोपड़ा क्या कभी भी, मतलब प्रियंका है चोपड़ा ना, सब ये नहीं तो रहा ना, वो सॉरी एक फैक्टर आ जाता है इन्फर्नो सॉरी का। नहीं हाँ मेरा आप बस बताइए बताइए। इतना कह रहा था कि इन्फर्नो का टाइम वो था कि जब इंडियन मार्केट को इतना सीरियसली लेता नहीं था हॉलीवुड, वो दौर था जब एक एक दो दो महीने बाद यहाँ रिलीज होती थी उनकी फिल्में, कि पहले हो गई है यूएस में बाकी दुनिया में फिर यहाँ लेट हो गई है। तो अब तो ऐसा भी होता है कि इंडिया में पहले कर दी या साथ साथ कर रहे हैं, बहुत टाइम आ चुका है। उस टाइम पे भी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स निभाए हैं इरफान ने। आप जी क्या कह रहे थे अब? मैं वही, मतलब आप प्रियंका चोपड़ा और इरफान खान को एक्टिंग वाले उस पे कंपेयर नहीं कर सकते ऑब्वियसली, और प्रियंका का वो अलग है कि वो क्या करना चाहती है, उनका पूरा अलग है प्रोसेस वो, और उनका मुझे एम भी लगता है जो कि वो उनका ये नहीं है कि मतलब मुझे एक्टर बनना है ना, एक्टर एक्टर जो स्टार वाला, कि मेरे को स्टार, मैं स्टार है भाई तो स्टार वाली फीलिंग, एक्टर तो ठीक है एक्टर तो हूँ लेकिन स्टार स्टार ज्यादा इंपॉर्टेंट है बनना, क्योंकि तो पैसे स्टार में है ना, एक्टर तो है पैसे हैं फ्यूचर है करियर है प्रॉपर, तो वो वाला पार्ट। तो इरफान ने कभी उसके लिए वो नहीं किया कि मतलब मेरे को, उन्होंने की पिक्चर, उनको मैंने थैंक यू अभी देखा था, थैंक यू में इरफान खान काम कर अरे रहे थैंक थे यू की तो बात की जानी जरूरी है, मतलब अक्षय कुमार के साथ, सोनम कपूर, मतलब कितना बिजार हो सकती है चीजें, सोचिए आप। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो सीन खास तौर पे कि जब अपनी वाइफ रिमी सेन, मनी वाइफ को बोलते हैं कि चाहे वो
बोले उबाल के लाइए, बोले ये तो इतनी देर में तो ठंडी हो गई, जाए जाए की बिना चाहती हो मुझे। वही सब क्रेजी पार्ट्स यार, मतलब जिनके लिए आप उनको सिनेमा के लिए तो लोग उनको याद ही रखेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि भाई उस आदमी ने इतना कुछ किया है, उतना कुछ दिया है ना। बिल्कुल और मतलब एक आप सोचते हो ना कि आदमी, आप जब किसी से मिलते हो या किसी को देखते हो तो आप सोचते हो कि आदमी क्या सोच रहा है। मतलब जैसे मेरे चाचा जी हैं, तो उनकी वो उनकी बड़ी अजीब आदत है कि वो जब बात नहीं कर रहे होते हैं या कोई उनसे कुछ कह रहा होता है तो वो लगातार ऐसा साउंड क्रिएट करते रहते हैं, तो मुंह से लगातार उनकी ये आवाज निकल रही है, तो मुझे इतना इरिटेटिंग लगता है। लेकिन वो बोलते हैं कि मतलब उनका कहना, मैं कुछ सोच रहा हूँ ना, जब वो कोई कहता है कि अरे ये ऐसा कह रहा है, ये तो गलत कह रहा है, तो बोलते हैं वो भी तो कुछ सोच रहा होगा ना। तो मुझे वो पार्ट इतना इंटरेस्टिंग लगता है कि ये आदमी इतना कंसिडरेट है कि मेरे सोचने को, मतलब मेरे को इतना भाव दे रहा है, या कि तुम कुछ सोच रहे हो क्या, मतलब मैं कौन हूँ, नोबडी। अब घर में तो आप नोबडी ही होते हो, बाहर भी मतलब ऐसा कोई खुर्रम खा तो नहीं हो आप, लेकिन आपके इतना कंसिडरेट है वो आदमी की, वो भी तो कुछ सोच रहा होगा, तो वो अच्छा लगता है मुझे यार पार्ट। तो मतलब इरफान को देखते मुझे लगता है आदमी क्या सोच रहा होगा, कुछ तो सोच रहा होगा, और इरफान खान तो कुछ गंभीर सोच रहा होगा। तो वो वाला पार्ट मुझे लगता है कि हमेशा हमेशा गंभीर सोचना यार, कुछ तो रहता होगा यार, मतलब कुछ तो करेंगे, कुछ ना कुछ पर्सनैलिटीज के बारे में इंट्रीगिंग चीजें होती हैं जो आपको ऐसा आकर्षित करती है कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, इसको थोड़ा और जानो, इसको थोड़ा और जानो, इसको थोड़ा और पढ़ो देखो या पगड़ फिर। तब जानना चाहते हो क्या सोच रहे हैं, उनका थॉट प्रोसेस हाँ क्या है अपनी क्राफ्ट को हाँ लेके। क्योंकि आप समझ रहे हो ना, क्योंकि आपका तो ये इरफान आपके लिए एक्टर नहीं है, स्टडी मटेरियल है, क्योंकि आप जो है पढ़ रहे हो, तो ये लाइक स्टडी मटेरियल कि मेरे को इसमें से ये सवाल मेरा है तो इसका आंसर इसमें है क्या, कौन सा सवाल है, कौन सा वो वाला पार्ट। तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर लगता है उस आदमी के बारे में, लेकिन मुझे कभी पता नहीं था। जैसे फिल्म कंपेनियन एक वो शो करता था, FC अड्डा वड्डा टाइप कुछ करके नाम है उसका, या एक्टर्स के साथ वो बात करते हैं, शो का हाँ नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे। शायद हाँ तो उसमें इरफान का एक वो है रफ्मा चोपड़ा की सीमेंट, वो देखने में बहुत मजा आता है। मतलब आप देखोगे कुछ, वो आदमी तमाम हॉलीवुड फिल्मों में काम कर रहा है, लेकिन उसका अंग्रेजी बहुत साफ नहीं है, अनिल कपूर जितनी खराब भी नहीं है। मतलब जब जब वो ऑस्कर लेने गए थे स्लमडॉग के टाइम, तो बहुत ही एम्बेरसिंग हो गया था सिचुएशन वो, लेकिन जो उसकी अंग्रेजी साफ नहीं है, लेकिन उसका थॉट कितना क्लियर है, वो क्या कह रहा है, मतलब भाषा छोड़ी वो क्या कह रहा है, वो इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, तो वो सबको देखना चाहिए। भाषा तो मेरे हिसाब से मैटर करती भी नहीं है, मतलब आप कला के क्षेत्र में, आप आर्ट्स में हो तो वो आपका जो आइडिया है, आपके जो यहाँ चल रहा है वो आप कम्युनिकेट कर पाओ किसी भी भाषा में कैसे भी, तो अभी कला है वो उस चीज की, भाषा की तो मोहताज है ही नहीं, ये तो मैं मानता हूँ। वरना फिर हम आज जापानीज सिनेमा हो गया, रशियन हो गया, फ्रेंच, ये सब नहीं पढ़ रहे होते या इनकी फिल्में नहीं देख रहे होते अगर भाषा एक बैरियर होती तो। हमारा खुद का गया हिंदी सिनेमा, इतना बढ़िया काम हो गया वहाँ पे तो। वो तो उन्होंने कहा ही था जब जब बॉम जो उन्होंने पैरासाइट के लिए ऑस्कर लेने हैं, तो उन्होंने हाँ सबसे पहले वही बताया कि आप जब 1 इंच वाले जो सबटाइटल के बैरियर से ऊपर उठ जाओगे तो नई आपकी जिंदगी बदल जाएगी, दुनिया मतलब से इंट्रोड्यूस हाँ हो आपका गए, वहाँ वही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जैसा कि आपने अभी अभी हम थैंक यू की बात कर रहे थे, तो मैं जितने भी उनके कैरेक्टर्स हैं, चाहे कमर्शियल सिनेमा में हो, चाहे अच्छी क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्में हो वहां से हो, मुझे लगता है कि हर वॉक ऑफ लाइफ के लिए इरफान ने कुछ कोई ना कोई किरदार दिया है सिनेमा जगत को। और उनका थॉट प्रोसेस आप कह रहे थे कि जानने वाली बात चीज है कि क्या सोच रहा होगा, मुझे उससे एक फिल्म याद आती है, उन्होंने 90s की बात है, एक फिल्म की थी अधूरा नाम से, अधूरा अच्छा में उन्होंने होमोसेक्सुअल इंसान का कैरेक्टर, आदमी का कैरेक्टर प्ले किया था, माफ कीजिएगा उस समय। और ये हालांकि ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाई, काफी कुछ इश्यूज हुए थे इसको लेके, लेकिन उस समय फिर ये सवाल भी सौरभ सर ने पूछा था जो हमारे एडिटर हैं, इंटरव्यू देने आए थे जब वो इरफान मदारी के लिए 2016 में, तभी अधूरा के बारे में पूछा था उन्होंने। तब उन्होंने कहा इरफान ने कि मैं सिर्फ जो प्रोड्यूसर थे और एक्टर थे वो पैशनेट थे काम इस प्रोजेक्ट को लेके, और मुझे लगा कि हाँ सही है, बतानी चाहिए कहानी, तो उन्होंने काम किया। उन्होंने ये सोचा कि हाँ ऐसी स्टोरी कर लूंगा या ऐसा कैरेक्टर करियर के शुरुआत में कर लूंगा तो फिर एक वो ठप्पा ना लग जाए कि ये तो इस तरह की फिल्में करता है या इस तरह का ही कैरेक्टर करता है, तो ये काफी चीज क्लियर कर देती है कैरेक्टर के बारे में कि उसका थॉट प्रोसेस कितना क्लियर है या वो अपनी क्राफ्ट को कितना सीरियसली लेता है, ये सबसे बड़ी वो थी, मतलब तभी वो लंबी रेस के घोड़े थे, इतना काम किया उन्होंने, इतनी शानदार फिल्में की, इतना सिनेमा दिया हमें, पान सिंह तोमर हो, लंच बॉक्स हो, हालांकि
समय से पहले ही कैंसर के चलते वो देहांत हो गया, लेकिन उनका सिनेमा वही है कि बुलाया नहीं जा सकता अगले 100 सालों से, एटलीस्ट आगे भी मैं नहीं। जब जब मैं ना इस साल जितनी फिल्में आई, 2021 में जितनी फिल्में आई, उसमें मैं सरदार उधम को देख के, मतलब सरदार उधम को, एक तो आप जब आपको जब लगता है कि ये वाला कोई एक्टर है जो ये रोल करने वाला था, तो आप क्या करते हो कि आप जो एक्टर वो रोल कर रहा है या और जो करने वाला था, उन दोनों को आप एक्सचेंज कर देते हो अपने दिमाग में। तो यार मुझे हमेशा वो इतना इंटरेस्टिंग लगता है आइडिया कि यार इरफान खान होते हैं उस फिल्म में, सरदार उधम में। तो यार मतलब वो विकी कौशल ने खराब प्रभाव नहीं किया है, बिल्कुल नहीं किया है, लेकिन यार वो क्या लेवल पे चली जाती पिक्चर, और मैं उस पिक्चर से ऑलमोस्ट ऑब्सेस्ड हूँ। और अभी फॉर अ वाइल के लिए तो वो चला जाएगा कुछ टाइम के बाद, जब मैं कुछ नया देख लूंगा, तो लेकिन जब तक अभी मैं उससे ऑब्सेस्ड हूँ हिंदी सिनेमा में, तो मुझे लगा यार वो क्या इरफान ने क्या किया होता यार, मतलब क्या कैरेक्टर था, होता ना कि टेलर मेड कैरेक्टर कि आपको ये करना है। जैसे विकी कौशल जो है सीरियस सीन्स हो गए या जो भी, वो ठीक है, लेकिन अगर वो इरफान ने किया होता तो अलग अलग लेवल पे चला जाता है वो माहौल। तो मुझे वो बड़ा सोचता हूँ हमेशा, उसको चेंज करके देखता हूँ, और मुझे हर बार वही लाइन याद आती है जो मैं कई बार बोल चुका हूँ लाइव वगैरह में भी, कि जब वो लाशें उठा रहा होता है उधम का कैरेक्टर, और फिर वो बता रहा अपनी कहानी बता रहा है अंग्रेज अफसर को, कहता है कि पहले सिर्फ वो मेरी थी फिर सब अपने हो गए। सब अपने यार हो गए। मुझे लगता है कि वो कहाँ से आता फिर, मतलब वो सुन के ऐसे, उस समय भी आपको सीजन तो बॉडी में होती है, ये सेंसेशन आते हैं आपकी बॉडी में उस समय भी, लेकिन जब इरफान वो कहते तो यार मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यार वो काफी मजमा लूटने वाला माहौल हो जाता। तो ये वाला पार्ट भी है एक मुझे, जिसके लिए मतलब अब वो नहीं है तो आप उनको अपने हिसाब से कहीं ना कहीं ढूंढते हो, कहीं उनको इंसर्ट करते हो। सबका अपना अपना है, सबका अपना अपना सिनेमा है, सबका अपना अपना इरफान है, सब सबके थोड़ा थोड़ा है वो। हाँ इरफान सबके हैं, ये बात आपने बिल्कुल सही कही, सबके हैं जी वो। कोई उनको कहीं खोजता है, कोई उनको लंच बॉक्स में खोजता है, कोई हॉस्टल से उनके साथ है, कोई मकबूल से, लेकिन इरफान है सबके। मतलब ये मुझे भी शायद ऐसा है, कोई मेरे खुद के दोस्त हैं जो नॉर्मली फिल्में देखते हैं, ऐसा नहीं देखते, एंटरटेनमेंट के हिसाब से देखते हैं, लेकिन किसी को भी मैंने आज तक ये नहीं सुना कि ये वो कहते हुए इरफान खान यार ओवररेटेड हैं या फिर नहीं अच्छे एक्टर नहीं है। मतलब वो एक ऐसे इकलौते इंडियन एक्टर मुझे दिखे जिनका कोई हेटर मैंने नहीं देखा अब तक उनके क्राफ्ट का। चाहे भले लेमैन भी उनकी फिल्में देखी, लेकिन इरफान खान के लिए वो इज्जत है सभी के दिल में। अभी मैं रिसेंटली एक स्टोरी कर रहा था इंटीमेसी डायरेक्टर्स के ऊपर, जी कि जैसे गहराइयां फिल्म आ रही है तो उसमें दीपिका पादुकोण है लीड रोल में, सिद्धांत चतुर्वेदी, अनन्या पांडे और धैर्य कर्मा है। उस फिल्म को शकुन बत्रा बना रहे हैं जिन्होंने कपूर थे बनाई थी, तो उसमें पहली बार जो है इंटीमेसी डायरेक्टर को क्रेडिट दिया गया। इंडिया में ये पहली बार हो रहा है जहां तक मेरी जानकारी है, और ये मतलब बिल्कुल सही नहीं हो सकता, मैं गलत हो सकता हूँ जाहिर तौर। तो मैं कर रहा था वो स्टोरी, तो उसमें मैं अब दिया गया क्रेडिट इंटीमेसी डायरेक्टर है किसको, दार गई को। दार गई एक वो यूक्रेनियन फिल्म मेकर है जो पिछले 10-12 सालों से इंडिया में ही, उन्होंने दो फिल्में उन्होंने बनाई आज बहुत प्यारे प्यारे म्यूजिक वीडियोस बनाए हैं, जी, वो ऋत्विज का लेगी वाला है जो लेगी, वो लेगी उन्होंने और बनाया था। मधुबाला वगैरह ये सब उन्होंने हाँ, डायरेक्ट किया। खामोशी भी उन्होंने डायरेक्ट किया था। हाँ तो वो जब वो मुझे पता, मतलब मैं पढ़ रहा था उनके इंटरव्यूज वगैरह समझने के लिए कि क्या होता है, या इंटीमेसी डायरेक्टर का काम क्या होता है, ये लोग क्या करते हैं। तो मतलब उसमें मुझे ऐसे ही रैंडम चीज एक पता चली, उन्होंने बताया कि उन्होंने नामदेव भाऊ बनाई और तीनों राधा नाम की एक फिल्म बनाई थी, 3½। तो उन्होंने कहा कि उनकी पिक्चर का एक पिक्चर, और वो उनकी मतलब उनकी पिक्चरें ऐसी होती है बहुत मेन स्ट्रीम नहीं होती है, जिसको पैरेलल सिनेमा कहते हैं ना, या मतलब कंटेंट ड्रिवन टाइप का सीरियस सिनेमा। तो उन्होंने कहा कि वो जब उन्होंने वो बनाई नामदेव भाऊ, तो उसका कहीं प्रीमियर चल रहा था मुंबई में या कहीं इंडिया में ही था, वो बाहर नहीं था। उन्होंने कहा कि उस फिल्म का प्रीमियर चल रहा है और फिल्म खत्म होती है और साथ पीछे एक रिक्शा वाला बैठा हुआ है प्रीमियर में, फिल्म खत्म हो रही है और रिक्शा वाला रो रहा है। मतलब आप एक बहुत ही पहुंचे हुए आदमी, आपने बहुत थॉट प्रोसेस लगा के बहुत सारा सोचा, बहुत सारा लिखा, बहुत सारा बनाया, तो आपने एक सिनेमा बनाया गंभीर से विषय पे, है ना, कि वो एक आदमी है 65 साल वो का आदमी है जो 40-45 साल से वो ट्रक चला रहा है, ट्रक ड्राइवर है, और वो कैरेक्टर जिस आदमी ने प्ले किया है नामदेव गुरु नाम है उनका, वो भी रियल ट्रक ड्राइवर है या ड्राइवर है वो। तो उसका यह है कि यार मुंबई में इतना शोर है ना कि मैं मतलब मेरे दिमाग में क्या चल रहा है मैं वो भी नहीं सुन पा रहा हूँ। तो फिल्म का नाम ही है नामदेव भाऊ इन द सर्च ऑफ साइलेंस। तो मतलब उन्होंने बताया कि मतलब मुझे इतना इंटरेस्टिंग डार गई बताती है, डार गई
मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगा कि मतलब एक सिनेमा मैंने बनाया है, ठीक है, मैं अलग तरह की चीजों को देखती हूँ, अलग तरीके से समझती हूँ, जितने लोगों ने देखा था आपने उसको अलग अलग तरीके से समझा, लेकिन पीछे बैठा रिक्शा वाला रो रहा है, उससे मैंने पूछा नहीं क्या आपने क्या देखा, जज नहीं कर रहे उसको, उससे जानना चाहते हैं कि आपने क्या नोटिस किया, आपको क्या चीज लगी। उन्होंने बोला जो ये बोल रहा है ना, जो ये आदमी कर रहा है ना, मैं उससे बहुत रिलेट कर पा रहा हूँ, मुझे भी कई बार ऐसा ही फील होता है, और मैं इतना ज्यादा इससे मूव हुआ हूँ इस फिल्म को देखने के बाद, मेरे आंसू निकल रहे हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ कि मतलब आपकी फिल्म जो है कितना भी बना, लेकिन वो उससे कोई भी कनेक्ट कर सकता है, कोई भी आदमी, वो किस लेवल पे कनेक्ट कर रहा है उसको आप उससे बात करके जान सकते हैं। तो इरफान के साथ भी ऐसा ही है कि मतलब उनकी फिल्में कितनी भी सीरियस हो, आप उसको किसी ना किसी लेवल पे जाके कनेक्ट कर सकते हो। और एक तो वो है कि आम आदमी पर वाली बात है ना, कि आदमी में नखरे नहीं है और दिखावट नहीं है, ठीक, अपने जैसा दिखता है कोई। तो फिर आप उसे, पहला तो एक ऑलरेडी एक कनेक्ट आपके साथ उसके उसका बना हुआ है आपका, फिर आप उसकी फिल्में देखते हो, वो भी ऐसी कोई कहानी नहीं कहता है जो बहुत ही आउटरेजियस या बहुत एम्बिशियस, नहीं, वो बहुत ही ह्यूमन स्टोरीज होती है बेसिक लेवल की, है ना, तो आप उससे कनेक्ट, कहीं ना कहीं उससे कनेक्ट करते हो आप, उसका कोई आपका तार जो उससे जुड़ता है, वो सबके साथ पॉसिबल नहीं होता है ना, मतलब वो कुछ एक ही लोग हैं जिनके साथ वो आपका बन पाता है। इसलिए जब उनकी जी डेथ हुई ना, मतलब मैं सोशल मीडिया से बहुत दूर रहता हूँ, दूर नहीं रहता, मैं उधर देखता हूँ, एक मीम है कि एक आदमी जो है, एक फील्ड है, बहुत सारे लोग उसमें खेल रहे हैं, और एक आदमी बीड़ी जला के ऊंचाई पे बैठा है, सबको देख रहा है। तो आमतौर पर इस मीम को ऐसे यूज किया जाता है कि मी ऑन सोशल मीडिया, कि मैं सब कुछ देख रहा हूँ लेकिन मैं वहाँ पे एक्टिविटी नहीं कर रहा हूँ। स्टॉकर कहते हैं इसको, नहीं, वो गलत, बहुत ही नेगेटिव टर्म है, मैं उसको बिल्कुल यूज नहीं करना चाहूंगा, अपने लिए खास शैतान। करके। तो वो वाला पार्ट है कि आप वहाँ सब कुछ देख रहे हो, क्योंकि मतलब वहाँ सारी जानकारियां हैं, लेकिन कुछ कोई एक्टिविटी नहीं है। तो मतलब जब इरफान की डेथ हुई, तो मतलब इतना शॉक था, इतना शॉक्ड था मैं, क्योंकि मैं पिछले दिनों ये कवर कर रहा था कि इरफान की तबीयत खराब है और उनको रश करके हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है, कोरोना इन्फेक्शन था और तमाम तरह की चीजें थी, जो भी मसला था उसमें डिटेल्स पे नहीं जाएंगे, वो बहुत ही वो है, दर्दनाक है वो, पे बात करना उस बारे में। तो जब मैं, और मुझे बिल्कुल ही लगा कि यार मैं क्या करूं अभी, और मैं बस सो के उठा हूँ, और ऐसा लग रहा है कि कान में मेरे एक सीटी बज रही है, थोड़ा सन्नाटा सा ऐसा है, और वो इतना ऐसा लग रहा है कि इतनी पर्सनल चीज थी वो, और इतना ज्यादा ऐसा लग रहा है कुछ, कोई पर्सनल चला गया है, मतलब बहुत क्लोज, मतलब सबके साथ आपका एक वो बॉन्ड नहीं होता है, किसी के गुजरने पर बहुत दुखी नहीं होते, दुख होता है कि एक आदमी चला गया, लेकिन उतना ज्यादा फील करना किसी के लिए, इसको जिससे मैं कभी मिला नहीं हूँ, जिसको मैं जानता भी नहीं हूँ, तो वो फीलिंग कहाँ से आ रही है? तो अगर उसको आप देखोगे कि वो फीलिंग कहाँ से आ रही है, मतलब मुझे इतना पर्सनल हो जाता क्यों फील हुआ, मैं उस आदमी को कभी देखा नहीं रियल लाइफ में, मिला नहीं, है ना, उससे बात नहीं, क्योंकि इतना कनेक्ट कैसे डेवलप हुआ, कहाँ से हो रहा है ये सब, वो वाला पार्ट, वो इंट्रीगिंग वाला बोला ना मैंने, कि वो आदमी मुझे हमेशा इंट्रीगिंग लगता है, इसीलिए लगता है कि क्या है ये, कुछ चीजें होती है कि आप चाहते हो ना कि आप इंसान हो, आप हर चीज का एक मतलब निकालना चाहते हो, जब कुछ चीज सेंस उसका नहीं बन रहा होता है, तो आप उसको थोड़ा उसके उसमें डीप जाते हो कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, फिर आपको वो भी समझ नहीं आता, तो मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आया कि क्या है। तो इसलिए मुझे वो आदमी अभी भी, मतलब हमेशा ही वो आदमी हमेशा आपके जहन में कहीं ना कहीं, बैक ऑफ द माइंड में, जब आप सिनेमा की बात कर रहे हो तो खासकर इंडियन सिनेमा की, और तो उसमें आपको आदमी हमेशा याद रहता वो गएंगे है। हाँ बिल्कुल। और जो आपने बात बताई ना, पर्सनल लॉस जैसा महसूस हुआ, ये आपने अकेले नहीं, ये बहुत लोगों ने किया, इंक्लूडिंग मैं भी, और मेरे एक दोस्त का मुझे याद है, उस सुबह वीडियो कॉल आया था मुझे, वो पोलैंड रहती है, अच्छा, दिल्ली की है वैसे, और इंटरनेशनल वो फ्रेंड्स, हाँ नहीं मतलब नहीं कह सकते, यही की है वैसे। नहीं कह सकते हैं, इंटरनेशनल फ्रेंड्स तो होते हैं लोगों के। तो मुझे याद है कि उसका कॉल मैंने अटेंड किया, वो रो गई थी पूरी तरह कि यार ये क्या हो गया और कैसे हो गया मतलब। और फिर मैंने जब न्यूज ऑन की तो मुझे खुद यकीन नहीं हुआ था, मैंने कई चैनल चलाए कि क्या पता अभी कुछ गलत वो हो जाए, अभी आ जाए कि एक बात गलत है, ये न्यूज है, तो ये कहाँ से आ रहा था। वही बात कि मैं भी उनसे कभी नहीं मिला और कभी देखा नहीं, कभी हाथ तक नहीं मिलाया, कभी ये नौबत भी नहीं आई, ये सब नहीं हुआ कभी। लेकिन वो वाली बात है ना, जब जैसे आप कई हीरोज हैं जो कमर्शियल हीरोज में, उनमें आप खुद को नहीं खोज पाते, वो सिक्स पैक एब्स वाले हीरोज में या फिर वो भीड़ में डांस करते वाले हीरो में आप नहीं खोज पाते खुद को, लेकिन इरफान जैसे कैरेक्टर्स करते थे उनमें आपको लगता है कि हाँ इस बंदे को मैं जानता हूँ, इसकी कहानी मैं जानता हूँ या मैं जानना चाहता हूँ, ये मेरे जैसा है यार, ये वैसा बंदा है कि मैं अभी मार्केट जाऊंगा और दूध का पैकेट लेने जाऊंगा, उस दुकान पे वहां ही खड़ा होगा कोई बंदा, वो इस जैसा होगा। जी
वो फैमिलियरिटी आ जाती है, वो मुझे लगता है वो कनेक्ट बैठा है सबके साथ, और यही रीजन है कि सबको दुख हुआ उनके जाने का। लेकिन उनकी जो हम, लेगेसी है वो हाँ सेलिब्रेट की लेकिन जानी आज चाहिए, हम यार, वो हाँ जरूरी है। सेलिब्रेशन वाली बात, दिस वन, तो बर्थ ये कि आज उनका, इरफान का बर्थडे होता है आज के दिन, ठीक, एनिवर्सरी है आज। तो आज हम सिर्फ पूरा कॉन्वर्सेशन पॉजिटिव रखेंगे, नो नेगेटिविटी। नहीं, नेगेटिविटी नहीं है, इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी हमसे जुड़े हुए लोग या फिर हमारी जो ऑडियंस है, हमें रोज जी देखते हैं यूट्यूब सिनेमा के, ललन टॉप सिनेमा के चैनल पे, और अभी ललन टॉप के मेन चैनल पे देख रहे हैं, और ललन टॉप सिनेमा के यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। जो और भी सोशल हमारे मीडिया पे ऑडियंस, फॉलो भी कर लीजिए, इंस्टाग्राम हाँ, इंस्टा, ट्विटर ट्विटर, फेसबुक, फेसबुक, यस, उधर भी अपन मेरे, कुछ ना बिल्कुल कुछ करते रहते हैं, तो आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलेंगे। हम जो भी कर रहे हैं, हम लाइव भी कर रहे हैं, तो अगर आप मान लीजिए हम लाइव में आप हमारे साथ नहीं जुड़ पाए, तो आप उसे जो है ललन टॉप सिनेमा के यूट्यूब चैनल पे जाकर देख सकते हैं कुछ घंटों बाद, है बिल्कुल ना, बिल्कुल। तो हाँ, उसके आप तो फिर वहाँ पे, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि हमने लाइव कर दिया है, ये आपको उसके लिए सोशल मीडिया से पता घंटे का चलेगा। आइकन आप दबाना पड़ेगा घंटे का आइकन दबाइए, इधर। नोटिफिकेशन पे ऑन करिए, है ना, हम भी मजे कर रहे हैं, आप भी, हम लोग साथ में मिलकर मजे करते हैं। हाँ बिल्कुल, ये और अभी अब जितने भी लोग घर पे हैं, और हम एंटरटेन भी करते रहेंगे आपको, सिनेमा के अपडेट्स भी आप तक लाते रहेंगे, और घर पे ये ध्यान रखिए अपना। बाकी लेगेसी की बात हो गई थी, तो यही है कि उनकी लेगेसी सेलिब्रेट की जानी जरूरी है, जो कि हो भी गई है और होती रहनी चाहिए, क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन तो वो अनपैरेलल है, उसको मैच नहीं किया जा सकता। उन्होंने जो, हालांकि ये सभी का मानना है कि वो बहुत जल्दी चले गए, लेकिन जी फिर भी उन्होंने इतना कुछ काम किया है जो काफी सारे एक्टर्स है, काफी सारे एंटरटेनर्स नहीं कर पाएंगे अगले कई सालों में। ये किसी को नीचा दिखाने की बात नहीं है, लेकिन उनकी अपनी लेगेसी है। जी और बाकी श्वेतांग, आज का सेशन यही अप किया जाए, या जी अपना बिल्कुल, लास्ट थॉट्स? हम किसी के लास्ट चैट ऑन हो गया है। उनके, इरफान खान इतना बड़ा टॉपिक है ना, वो जी तो एक क्या 10 लाइव अगर लगातार कर ले हम, तब भी वो उस नहीं कर उन पे सकते। आप बात करते रह सकते हैं, लेकिन अभी सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि चैट ऑन हो गया है, ठीक है, अच्छा अब जो लोग हैं, ये जिनके जो भी सवाल है, आप हमें, आप फौरन दागिए, हमसे जितना बन पड़ेगा, हमें जितना पता होगा, हम उस हिसाब से आपको आंसर देंगे। जो भी आपके सवाल हो, आप किसी बारे में हमसे पूछना चाहते हो, अभी हम लाइव आप कुछ भी पूछ सकते हैं आप, हम उसका आंसर देंगे, हमारी कोशिश ये रहेगी। तो यमन, आप सवाल ले रहे हैं अभी, कोई दिख रहे हैं सवाल से आपको? मुझे मुझे नहीं दिख रहे हैं, मैं वही जानना चाह रहा था आपसे कि आपको किधर दिखा रहे हैं। एक सेकंड, मैं एक बार कंफर्म करता हूँ, हाँ दिख रहे हैं? नहीं, अभी भी विजिबल नहीं है। अच्छा, तो अगर चैट विजिबल नहीं है, अब तो लोग सवाल नहीं पूछ पाएंगे जाहिर तौर पर। हम अगली बार कोशिश करेंगे कि हम चैट का कुछ इंतजाम करें, ताकि लोग से हम बातचीत कर पाए, हम आके ज्ञान झाड़ के ना चले जाए, है ना, कि जी 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 बिल्कुल, हम लोगों से बात करें, लोग हमसे बात करें। हम वही तो चाहते हैं ना कि एक कन्वर्सेशन जो है वो स्थापित हो, कि हम लोगों से बात करें, लोग हमसे बात करें, मजा आएगा, थोड़ा सा फन रहेगा, थोड़ा सा ज्ञान की बातें करेंगे, कुछ लोग हमें बताएंगे, कुछ हम लोगों को बताएंगे, है ना, तो वो आदान प्रदान का जो गेम है चलते रहना चाहिए। आज चैट ऑन नहीं हो रहा है, तो इसलिए आज की हम बातचीत हो यहीं गया खत्म है, करना हो गया है। चाहेंगे। हाँ, माफ हो गया है, अब अपडेट, दिखा रहा है, तो अगर वाह किसी के जी सवाल हो तो हम ले सकते हैं। आने से पहले अंजलि व्यास ने कहा था कि लंच बॉक्स जी बहुत उम्दा फिल्म है, रितेश बत्रा ने बनाई है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, जी रितेश बत्रा ने फोटोग्राफ बताया, जिन्होंने अभी फोटोग्राफ बनाई थी नवाजुद्दीन भी आई, सिद्दीकी और सान्या वाला उत्तरा को लेकर। और उन्होंने कुछ अंग्रेजी फिल्में भी बनाई है। हाँ, वो जी अभी एग्जैक्टली नाम ध्यान नहीं आ रहे कुछ एक, अभी दो जो हिंदी फिल्में हैं इन दोनों का ही नाम ध्यान है अभी। जी और किसी के सवाल हो तो जरूर पूछिए। जिस भी बारे में हो, हाँ, जिस भी, हमसे पूछना चाहते हो, इरफान के बारे में पूछना चाहते हो, सिनेमा के बारे में पूछना हाँ, चाहते हो, सिनेमा के बारे में, हमारे नए चैनल के बारे में, ललन टॉप जी सिनेमा बिल्कुल, का जो यूट्यूब चैनल है, हम क्या करने वाले हैं आगे उसको लेके, जो या भी सवाल फिर आपके दिमाग में है दाग दीजिए। आपके पास कोई सजेशन हो क्या देखना चाहेंगे आप सिनेमा के चैनल को, फिर आप किन कुछ भी। मसलों पे चाहते हैं कि हम लाइव अगर करें, तो हम किन मसलों पे आकर बात करें, कौन से टॉपिक उठाएं, आप जो भी चाहें, मैं सुझाव दे सकते हैं, मतलब आपका ही सुझाव है, आपका सुझाव हमेशा शर्माते पे रहेगा हमारे, तो बिल्कुल आप बिल्कुल, प्लीज सुझाव दीजिए, हमसे सवाल पूछिए, डांट लगाइए, जुड़े रहिए, लेकिन हाँ जुड़े, क्योंकि बहुत मजा आने वाला है। अभी 1 मिनट और देख लेते हैं, अभी जी तक तो किसी के सवाल आए नहीं है। शक्ति सिंह पूछ रहे हैं, उनकी आंखों में ऐसा क्या था? ये तो उसका बहुत सुंदर एक किस्सा था, कि जब उनका देहांत हुआ था, देहावसान हुआ था उनका, तो हमने उसके ऊपर एक स्टोरी की थी,
तो मतलब एग्जैक्टली वो आंखों के ऊपर नहीं था, लेकिन वो था कि इरफान उनकी बहुत अच्छे बोलते हैं कि आंखों से वो एक्टिंग करते थे या इस तरह की बातें, बहुत रोमांटिसाइज करते हैं ना आप जिसको पसंद करते हैं उसको आप बहुत रोमांटिसाइज करते हैं, उसके बारे में तमाम तरीके से सोचते हैं, बहुत सुंदर चीजें गढ़ते हैं अपने दिमाग में उसके बारे में, है ना। तो उनकी जी आंखों को लेकर बहुत बात होती है। लेकिन मुझे एक बहुत ही पर्टिकुलर किस्सा याद आ रहा है कि इरफान इंडिया टुडे आए हुए थे, वो कोई एक इवेंट था उसके लिए, तो यहाँ उनका एक फोटो सेशन होने वाला था। तो फोटो सेशन के दौरान उनसे पूछा गया उनकी माँ के बारे में, बताया जाता है इरफान अपनी माँ के बहुत क्लोज थे, और जब इरफान की डेथ हुई उसको कुछ कुछ टाइम पहले 2 या 4 दिन पहले ही उनकी माँ की डेथ हुई थी, जहाँ तक अगर मैं गड़बड़ नहीं हूँ, अगर मैं गड़बड़ हूँ तो मुझे प्लीज करेक्ट करिए क्योंकि ये फिर बड़ा ब्लंडर है। तो उसके पहले ही उनकी माँ की डेथ हुई थी जहाँ तक मुझे लगता है, ध्यान है मुझे। तो उन्होंने बताया कि जब वो इरफान यहाँ आए थे इंडिया टुडे, तो जब उनका फोटो खींच रहा था उसके लिए मैगजीन की कवर के लिए, तो जब उनसे उनकी माँ के बारे में पूछा गया तो उन्होंने एक फूल उठाया और अपनी आँख के ऊपर रख लिया। तो वो एक बड़ा किस्सा है जिसको आप ललन टॉप के तो वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं। सीधा जुड़ा जो वीडियो है उस स्टोरी पे जो वीडियो बना है उसको भी आप हमारे ललन टॉप के यूट्यूब चैनल में जाकर देख सकते हैं। प्लगइन जी जरूरी है, और अब हम जल्दी से कोशिश करेंगे कि आपको हम सारे ये सारा जो पता जो है पता हम बदलें और इसको आपको हम ललन टॉप सिनेमा पे ले आए, जो हमने नया शुरू किया है कुछ क्रांति करने के मकसद से। तो आप क्रांति में हमारे साथ आइए और मचाते हैं अपन कुछ। गजेंद्र सर ने पूछा है कि इरफान खुद को इतना क्यों निखार पाए जितना उनके कंटेम्प्रेरी नहीं कर पाए। शायद वो सेल्फ क्रिटिकल रहे हों, या उनको एक वो होता है ना कि आप अपने क्राफ्ट को लेके बहुत वो होते हो कि यार नहीं हो रहा है, मजा नहीं आ रहा है, वो वाला पार्ट। मतलब नहीं, मैं मतलब नहीं जानता हूँ मैं एग्जैक्टली क्या रीजन रहा होगा कि क्यों निखार पाए, लेकिन मुझे लगता है कि वो वाला पार्ट रहा होगा कि शायद मैं ये पहले तो एक श्योरिटी होती है कि मुझे करना तो यही है, ठीक है कि मुझे यही करना है काम। उसके बाद अब मुझे यही करना है और इसका बेस्ट फॉर्म में करना है, इसका बेस्ट वर्जन क्रिएट करना है, मैं जो कर रहा हूँ उसको बेस्ट करना है, कि मुझसे बेटर कोई कर ही नहीं पाएगा। आपको ये कॉन्फिडेंस रखना है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है, क्योंकि मतलब फिर तो वो मसला आ जाता है। तो मुझे लगता है यही वाला पार्ट रहा होगा कि यार मैं जो कर रहा हूँ एक तो यही है कि दिस इज वॉट आई डू और मुझे इसको बेस्ट तरीके से करना है। आपको क्या लगता है मुझे इस बारे में? मुझे लगता है कि वो अपनी क्राफ्ट को लेके और खुद को लेके अवेयर थे, वो सजग थे कि मैं क्या कर रहा हूँ और मुझ में कितना पोटेंशियल है, मैं क्या कर सकता हूँ। और फिर उसके बाद में उन्होंने कन्विक्शन दिखाया, और वैसी उनकी भी चॉइसेस भी थी। उन्होंने टीवी थिएटर किया, इतने साल टीवी किया, और फिल्में, क्योंकि मकबूल उनकी ब्रेकआउट फिल्म थी, उनकी फिल्म कोई बड़ी कमर्शियल मसाला फिल्म ब्रेकआउट फिल्म नहीं थी। और नसीरुद्दीन शाह उनके साथ थे मकबूल में। एक किस्सा मैंने पढ़ा था अभी हाल फिलहाल में, जहाँ नसीरुद्दीन शाह ने बताया कि मैं उनको रिहर्सल करते हुए देख के चौंक गया था। ऐसा कभी हुआ नहीं किसी एक्टर को रिहर्स करते हुए देख के, और वो वहां पे हिट किया मुझे। जबकि ऐसा बताया जाता है कि नसीर साहब इरफान की कास्टिंग चॉइस के खिलाफ थे शुरुआत में, वो नहीं चाहते थे कि हाँ इसे लिया जाए। इसलिए पहले मकबूल में बात चल रही थी कि के मैनन को साइन करने की बात थी, लेकिन वो बात बनी नहीं। तो मुझे लगता है कि वो इरफान अपनी क्राफ्ट को लेके सजग थे, उनको पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ, और फिर उस पर वो काम करते गए जो शायद उनके कंटेम्प्रेरीज नहीं कर पाए। और मुबारक सर हमसे पूछ रहे हैं, ललन टॉप सिनेमा ने आज लोगों से उनके फेवरेट इरफान के डायलॉग्स पूछे थे, आप दोनों भी बता दीजिए अपने अपने। तो श्वेतंग, आपको कौन सा याद आ रहा है? मेरा यार मुझे थोड़ा वो करना पड़ेगा, एक बार सोचना पड़ेगा जाके पीछे। मुझे लाइफ ऑफ पाई वाला वो याद आ रहा है कि इन द एंड ऑल ऑफ लाइफ बिकम्स एन एक्ट ऑफ लेटिंग गो। हाँ वो वाला तो है ही। हाँ और मुझे यार बहुत सारे हैं यार, मतलब अच्छा लगता है ऐसे सोच सोच के भी कि हाँ मेरे को ये भी पता है, मेरे को ये भी पता है, मेरे को ये भी पता है। वो फील गुड वाली फीलिंग है ना कि आपको इरफान के 5 डायलॉग्स पता है, पांचों अच्छे लगते हैं, तो वो वाला फैक्टर है इसके साथ यार। तो हो जाता है। हाँ, तो जैसे मुझे मुझे तो ऐसे यूजली जो है फनी वाले ज्यादा जल्दी क्लिक करते हैं, या कुछ फन है या इंटरेस्टिंग है, और तो हमें दिखने में प्रोफाउंड नहीं है कि बहुत गंभीर दिख नहीं रहा है, लेकिन वो है। जैसे एक तो डकैत और वो वाला है कि बीहड़ में तो वो डकैत तो पार्लियामेंट में रहते हैं, वो वाला बहुत ही हाँ कि वेरी बहुत ही पॉलिटिकल, वेरी गुड, ठीक है। फिर एक वो है जज्बा में डायलॉग था उनका कि जब
मोबाइल में नेटवर्क और लाइफ में भरोसा ना हो तो लोग गेम खेलने लगते हैं टाइप कुछ था। एग्जैक्टली वो भी मैं नहीं रिमाइंड कर पा रहा हूँ। मुझे लगा जज्बा से आप वो डायलॉग नहीं बोलोगे अच्छा कि अच्छा क्या मोहब्बत तो जी बाहों में होती है। मीम कंटेंट जी तो ये मुझे लगता है दो तीन अभी ये रहे जो है अभी, क्योंकि एग्जैक्टली मुझे अभी यही दिमाग में आ रहे हैं। अगर मैं थोड़ा सा सोच के बैठा होता कि ये सवाल आने वाला है तो मैं ज्यादा गंभीर देख के बता सकता था दिस इज अ बिल्कुल, वेरी गंभीर डायलॉग। उनके तो काफी डायलॉग्स हैं, बस वही वाली बात हो जाती है कि पॉइंट पे याद आई नहीं हमें, वो वाली बात है। बाकी फेथ फैक्ट्स कह रहे हैं कि एक समय था जब इरफान के पास जुरासिक पार्क की टिकट परचेज करने के पैसे नहीं थे, बट आफ्टर हिज एफर्ट्स ही वाज मेन कैरेक्टर ऑफ जुरासिक वर्ल्ड, बिग मोटिवेशन फॉर मी। उनका जो सक्सेस स्टोरी है, जो ग्राफ है, वो तो सबके लिए मोटिवेशन है ही। क्या क्या उन्होंने वो दिखा, इरफान लेकिन की मुझे सबसे लगता है कि अंडररेटेड हाँ फिल्म, गजेंद्र सर पूछ रहे हैं। सबसे अंडररेटेड फिल्म इसका ये हो सकता है यार। अंडररेटेड फिल्म में आपको क्या लगता है बताइए, फिर मैं पूछता हूँ एक बार में। मैं मतलब अंडररेटेड नहीं कहूंगा, लेकिन वो मेरी मेरी जो उनकी सबसे फेवरेट फिल्मों में से एक है, वो लंच बॉक्स ही है। तो मुझसे आप जो भी उनके सवाल पूछेंगे कि इरफान की वो फिल्म बताओ जो याद रहे, या बेस्ट फिल्म बताओ, या वो, मेरा सबका जवाब लंच बॉक्स जाएगा, क्योंकि वहां जो उन्होंने किया वो मुझे फिर मैं किसी और मुझे एक्टर को अंडर वहां देख सकता। आपके लिए कौन सी है? रेटेड एग्जैक्टली नहीं बोलेंगे जो मैं बताने वाला हूँ वो भी, मतलब मेरी फेवरेट तो जैसे वो साहब भी गैंग, जैसे गुंडे भी मुझे छोटा सा रोल है उनका लेकिन मुझे अच्छा लगता है हाँ वो भी, है ना कि उसमें उसमें भी एक डायलॉग है कि जब दोस्त है जो ना दोस्त जब एक बार घायल हो जाए तो किसी दुश्मन से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। और उसमें मतलब छोटा सा रोल है इरफान का, लेकिन वो बिल्कुल ऐसे क्या बोलते हैं वो जितनी देर है ना वो कहानी का हीरो है। रणवीर कपूर, रणवीर सिंह, अर्जुन कपूर सब साइड जितनी देर है वो आदमी, जैसे मुझे वो सबसे उसमें कोई एक डायलॉग एक भी डायलॉग नहीं है उस सीन में। और जब वो गाना आता है असलामे इश्क मेरा असलामे इश्क, तो वहां पे इरफान अपनी टीम लेके पहुंचते हैं सर्च करने के लिए और वहां देखते हैं कि नहीं मिले लोग, इस तरह का इशारा करते हैं वो, तो मुझे तब इतना लगता है यार वेरी गुड दिस वर्क, एक बार और करो तो वो वाला पार्ट आ जाता है कि उसको पीछे जाके वापस देखा तो अच्छा लगता है यार, मजा आता है। हमने उनकी बात की, लेकिन हमने हैदर और पीकू का जिक्र नहीं किया। हालांकि पीकू को दीपिका की फिल्म के तौर पे देखते हैं ज्यादातर लोग, लेकिन इरफान की परफॉर्मेंस भी वहाँ वो है, वो मतलब है, हर जगह है, वो कमर्शियल फिल्म हो चाहे कोई भी फिल्म हो, वो तो उसमें करती लोग हैं जो मुझे याद आ रहा है फिर से, उसमें भी एक मतलब वो फिल्म पूरी फिल्म जो है कॉन्स्टिपेशन और है। हाँ पॉटी के अराउंड है। पॉटी अगर सही शब्द है तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ का हम रिप्लेसमेंट चुनेंगे। तो उसमें भी डायलॉग है कि डेथ और कुछ है एक और चीज, दोनों चीजें मतलब डेथ और पॉटी दोनों चीजें कहीं भी आ सकती हैं। गुड है ना, चीज अच्छी बात है यार, मतलब वो सही बोल रहा है, कैसे उसको आप डिनाई करोगे। हाँ सही है। और बाकी हैदर में तो तो फिर रूहदार है ही हाँ, उधर दर्द मैं, दरिया भी मैं, हाँ यार, वो इंटरवल ऐसे कट पे होता है ना कि आपको मजा आ जाता है, वो इंटरवल वाला पार्ट आता है फिल्म तो फिर मतलब बढ़िया उनका यार। स्क्रीन प्रेजेंस कितना स्ट्रॉन्ग था कि हैदर में शाहिद कपूर ने इतनी कमाल परफॉर्मेंस दी। वो जो बिस्मिल वाला गाना था, और वो था और वो सीन था जिसमें वो खुद को हाँ, सिलेक्ट आते हैं वो वाला और फिर भी अफ्सपा आपको सत्सपा। हाँ, फिर भी आपको इरफान याद रहते हैं फिल्म से। और ये हाँ अभी की बात नहीं है कि अभी वो गुजर गए और इसलिए हम स्पेशल फोकस डाल रहे हो इस बात पे कि इरफान फिल्म का हिस्सा थे, वो तभी से मतलब जब वो से भी, हैदर आई थी। हाँ मतलब वो भी है ना कि कोई उनको किस किस लाइट में पोर्ट्रे कर रहा है, या कोई कोई फिल्म मेकर्स होते हैं ना कि हाँ मतलब एक्टर्स को कि आप किस एक्टर्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं अपने फिल्म में वो पूरी तरह फिल्म मेकर्स पर डिपेंड करता है। और जैसे विशाल भारद्वाज ने इरफान को इस्तेमाल किया, आप मकबूल उठा लो, हैदर तो आप वही जिक्र कर ही रहे हैं हम लोग उसका, तो फिल्म मेकर का भी उसमें बहुत बड़ा रोल होता है कि वो कैसे यूज कर रहा है अपने एक्टर को। इतने छोटे से रोल मिल गया लेकिन रोल कितना इंपॉर्टेंट है, और वो रोल फिल्म के 15 साल 10 साल बाद भी लोगों को याद है। जी हालांकि हैदर को 15 साल नहीं हुए, 10 साल भी नहीं हुए होंगे शायद, लेकिन नहीं अभी भी हुई है, इतना दो टाइम हजार बीत चौदह चुका की है। फिल्म है अगर मुझे गलत नहीं हूँ। हाँ तो लेकिन अभी भी अपने को याद है, 7-8 साल तो हो ही गए, अपने को याद है ना वो रूहदार का नाम तक याद है, वो सीन भी हाँ याद है कि वो स्क्रीन ब्लर वो हो जाता है तो उस लोग कैसे हो डायलॉग सकते। हाँ
और सब लोग याद है। अनुभव गुप्ता पूछ रहे हैं कि योर थॉट्स ऑन बिल्लू मूवी, मतलब बिल्लू भी वो उसी टाइम की लव बात हुई। मेरा हिट हिट। हाँ लव मेरा हिट इट, शाहरुख खान मेरा दोस्त है, बता हाँ तो रहा हूँ मैं। बिल्लू बिल्लू, पहले उसका नाम बिल्लू बार बार होने वाला था, फिर बार बाद में बार, कुछ हाँ कंट्रोवर्सी हो गई वो कि कंट्रोवर्सी, बार बार ऑफेंड हो जाएंगे, तो हाँ फिर हुए भी थे बिल्लू। शायद, कुछ हुआ था इसका लीगल कुछ, अगर मैं गलत नहीं हाँ हूँ कुछ तो। तो हाँ रहा होगा, मसला रहा था उसके लिए कुछ। प्रियदर्शन को बदलनी पड़ी थी फिल्म का जी टाइटल। और गजेंद्र सर पूछ रहे हैं कि द बाईपास कैसी लगी आपको। मैं माफी चाहूंगा, मैंने बाईपास नहीं देखी है, आपने औसत देखी है? नहीं, मैं भी बहुत सॉरी हूँ इसके लिए, मैंने भी वाईफाई नहीं हाँ देखी है, लेकिन मैं उसका कुछ ट्रेलर या उसका कुछ एक छोटा सा स्निपेट देखा था मैंने शायद, मुझे जहाँ तक याद, लेकिन मैं उस बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहूंगा जब मैंने देखी नहीं है। और अंडररेटेड जो परफॉर्मेंसेस की बात चल रही थी उस पे मुबारक सर का रिप्लाई है, मुझे उनकी गुनाह की परफॉर्मेंस बहुत अंडररेटेड लगती है, इंस्पेक्टर दिग्विजय पांडे। मुझे अच्छी चीज ये लगती है कि जैसे मुबारक सर ने बताया कि उन्होंने गुनाह देखी है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यार इन लोगों ने बहुत सारा सिनेमा देखा हुआ है ना, जो हम लोग अभी ढूंढ के देखेंगे इन्होंने हाँ एक नॉर्मली देखा है, हमारे लिए वो पार्ट ऑफ प्रोसेस होगा है ना, लेकिन इन लोगों ने नॉर्मली देखा है, तो वो पार्ट बहुत ही अच्छी चीज है यार कि इन्होंने गुनाह देखी। और गुनाह, द बाईपास, एटलीस्ट ये अब फिल्में आज के लाइव से ये भी हुआ कि बाद ये फिल्में अच्छा हुआ लिस्ट कि में आ उन्होंने। गई है हमारी वॉच लिस्ट में। जी हाँ हाँ तो जरूर देखेंगे हम उनकी पुरानी फिल्मों को रिवॉच करने के साथ साथ ये भी अपने लिस्ट में शामिल जी करेंगे। और सवाल आ रहे हैं। और अमित त्रिपाठी ने हैदर का डायलॉग बताया, भाई दरिया भी मैं दर्द भी मैं। और कोई सवाल है तो जरूर पूछिए हमसे। और बाकी ललन टॉप सिनेमा को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिए। और गजेंद्र सर बता रहे हैं शॉर्ट फिल्म है बाईपास, वो फिल्म जिसमें वे एक शब्द भी नहीं बोलते, अद्भुत हाँ वो उसमें रोड साइड किलर वाला है ना, जिसमें उन्होंने वो किलर का रोल किया था जो फिल्म। लोगों से सामान लूट लेता, या पुलिस वाले बने थे शायद, ये वही वाली फिल्म है जहां तक मैं ये अंदाजा है। तो खोज के देखनी पड़ेगी। और जरूर देखेंगे सर शॉर्ट फिल्म में। और कोई सवाल नहीं आ गए श्वेतंग तो हम आई थिंक रैप अप कर सकते हैं। जी रैप अप कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले एक और सब्सक्रिप्शन अपील कि बिल्कुल अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं, चाहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, अगर जानना चाहते हैं आप, अगर हमें आप अगर हम जो बात कर रहे हैं आपको थोड़ी भी ठीक लग रही है या आप उससे थोड़ा भी कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ हमें जो है ललन टॉप सिनेमा का हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन वाले बैक वो जो बटन होता है उसके ठीक बगल में एक बेल आइकन बना है, जिस पर क्लिक वाला, करेंगे तो आपको हम जो भी करेंगे ना उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। हम यूट्यूब चैनल पर जो भी करें, लाइव करेंगे, कोई भी वीडियो पोस्ट करेंगे या कुछ भी करेंगे, उसका नोटिफिकेशन आप तक चला जाएगा। पर आप हमें उस समय देखना चाहें, या आपको अंदर पता चल जाए कि यहाँ कुछ हुआ है, तो आप जब चाहें आके देख सकते हैं, उस समय भी देख सकते हैं। बाकी आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी ललन टॉप सिनेमा, इंस्टाग्राम पे भी हम इसी नाम से हैं, और ट्विटर पे भी हमारा हैंडल इसी नाम से, तो प्लीज़ हमें फॉलो करिए और देखते रहिए। ललन टॉप सिनेमा। बाकी अगर आपको हमारे कंटेंट में कुछ भी कमी दिख रही हो या कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक हो, तो जरूर जरूर हमें बताइए। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे हमें टैग कीजिए, सवाल पूछिए। हमारे यूट्यूब वीडियोस जो हैं ललन टॉप सिनेमा के यूट्यूब चैनल पर, वहां जाकर कमेंट कीजिए, बताइए अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि अच्छा है बुरा है कैसा है। हम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को बहुत अच्छे से लेते हैं और जरूर काम करेंगे उन पे, आपके सजेशन पे। आप सिनेमा के पेज पे, ये सोलली सिनेमा डेडिकेटेड पेज है, इस पे क्या क्या देखना चाहेंगे, आपकी फिल्मों कोई फिल्में हो, वर्ल्ड सिनेमा हो, कुछ भी जो भी सिनेमा से जुड़ा हो ए टू जेड, जरूर हमें बताइए, हम आप तक लाने की कोशिश करते रहेंगे। बाकी आज के लाइव में इतना ही, और फिर मुलाकात होगी जल्दी। अपना ध्यान रखिए, घर में रहिए और स्वस्थ रहिए। ठीक है श्वेता, करते हैं आज, टाटा बाय बाय। बाय और बाय, फिर हाँ ललन टॉप गुड नाइट। सिनेमा सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो अब तक, फिर से एक बार ओके इजाजत चाहते हैं आज।